दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो बंद कर दी गई थी और दोबारा इसे रिसेंड किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा ही भारत की विरोधी पार्टी रही है। जब तक राजीव गांधी थे तब तक बिल्कुल सही थी कांग्रेस, लेकिन सोनिया के हाथ में कांग्रेस की कमान जब से आई तब से ये पूरी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हो गई है। इसलिए इसको देश से उखाड़ना बहुत जरूरी है। भारत की तो बात छोड़िए, इसने नेपाल को भी बर्बाद कर दिया। नेपाल की 20,000 हिंदुओं की हत्या का बदला कौन कांग्रेस से लेगा? क्या किया कि कांग्रेस ने, अमेरिका ने जो पूरे दुनिया के देशों को लोकतांत्रिक बनाने का अभियान छेड़ा है, उसमें कांग्रेस सरकार ने अमेरिका का पूरा समर्थन किया और भारत में माओवादियों को ट्रेनिंग दिलवाई अमेरिकी पैसों से और भेज दिया नेपाल में हिंदुओं को कत्ल करने के लिए। ये माओवादी जो हैं वो ये नाम के लिए माओवादी हैं, असल में ये माओवादी हैं नहीं, ये हैं ईसाई आतंकी लोग जो अमेरिका के पैसे से चलते हैं और भारतीय कांग्रेस ने इनको पूरा सपोर्ट किया। कांग्रेस ने क्या समाचार फैलाए 2005-06 के दौरान भारत में कि माओवादी जो हैं उनको चीन ने पैदा किया और नेपाल जो है वो चीन के पक्ष में चले गया। ऐसी झूठी समाचार भारतीय समाचार पत्रों द्वारा कांग्रेस ने फैलाए जिससे भारतीय जनता को लगा कि नेपाल चाइना की तरफ चले गया। असल में नेपाल में जो कुछ और ही चल रहा था। नेपाल में क्या चल रहा था कि भारत के द्वारा और अमेरिका के द्वारा तैयार कराए गए जो माओवादी थे वो राजा से लड़ रहे थे। जब विश्व का एकमात्र हिंदू अकेला था उस समय राजा वीरेंद्र शाह, वो ईसाई आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस समय भारत ने कोई सपोर्ट नहीं की बल्कि राजा ज्ञानेंद्र की सारी सहायताएं बंद कर दी, जो हथियारों से सहायता दी जाती थी नेपाल को, और विश्व का एकमात्र हिंदू राजा असहाय हो गया या असहाय हो गए ईसाई आतंकियों के खिलाफ लड़ने में। मैं माओवादी नहीं कहता हूँ, मैं इनको ईसाई आतंकी कहता हूँ क्योंकि ये क्रिश्चियन पैसों पर ये लोग काम करते हैं। नाम चीन का है लेकिन चीन का कोई हाथ नहीं है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं हिंदुओं के खिलाफ। नेपाल में जो 20,000 हिंदू मारे गए माओवादी युद्ध काल के दौरान, उनका बदला कांग्रेस से कौन लेगा? अच्छे खासे शांत बैठे हुए नेपाल को अस्थिर कर दिया कांग्रेस सरकार ने, और इतना अस्थिर कर दिया कि आज तक नेपाल अशांत हुआ है। एकमात्र हिंदू देश को ख़त्म कराने में भारतीय कांग्रेस का हाथ है और भारतीय सोचते हैं कि शायद चाइना का हाथ हो। चाइना लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना का हाथ कैसे हो जाएगा? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चाइना का कोई हाथ नहीं है माओवादियों को पैदा करने में। ये भारत सरकार, भारत कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस और अमेरिका का हाथ है। वो 18-20 हज़ार हिंदू मारे गए तो कोई मानवाधिकार वाला नहीं आया, वहीं पर ईसाई और मुस्लिम मरते तो अब तक अमेरिकी सेनाएँ पहुँच जाती मानवाधिकार की आड़ में नेपाल में, लेकिन हिंदुओं का बोलने वाला कोई नहीं है। हम जिस सरकार कांग्रेस पे भरोसा करते थे वही हिंदुओं के खिलाफ है और अब धारा 124 ए हटा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहती है, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले समय में द्रविड़नाडु, दलितस्तान, खालिस्तान, अनेक प्रकार की मांगे उठने लग जाएगी। हम कांग्रेस सरकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसे देश से उखाड़ना चाहते हैं। हमारे जैसे साधारण मध्यम वर्गीय लोगों को आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें भरोसा हो चुका है कि हमारी जो सरकार या भविष्य में हो सकता है कांग्रेस सरकार आए, इस पर हमको थोड़ा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। रोज खाने कमाने वाले लोग जो आज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, इस टाइप के हम लोग हैं। हमको मजबूर कर दिया है कांग्रेस सरकार ने कि हमको भी बोलना पड़ रहा है। भाजपा जीते ना जीते लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आनी चाहिए इस बार, इसका भरोसा नहीं है। ये भूटान को भी बर्बाद करेगी। अब मैं फाइनल लिख के देता हूँ कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र की आड़ में भूटान को भी नेपाल जैसे ही बर्बाद कर देगी और 10 करोड़ लिंगायतों को अलग धर्म का कोड दे देगी। भारत में ST SC OBC जनरल थ्योरी को ताकतवर बनाएगी, जिसके कारण भारतीय हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए BJP जीते न जीते लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। ये भारत विरोधी पार्टी है, भारत नहीं हिंदू विरोधी पार्टी है, और भारत से हिंदू टूटे, हिंदुओं के नाम पे ये देश जुड़ा है, हिंदू टूटे तो ये देश टुकड़े हो जाएगा। जय हिंद।